तो ध्यानी जी यहाँ पे शादी में जाने के लिए हो गए हैं तैयार। रेडी हाँ ठीक है हाँ। सबसे पहले आप मशीन ऑन करेंगे हाँ। ठीक है यहाँ से ऑन हो गई मशीन प्लगिंग। अभी आए हैं हम कहीं पे श्री राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप? भगवान की कृपा से सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों को ना कहीं लेकर चलती हूँ। आज मैं क्या लेने वाली हूँ अपने लिए, आप लोगों को अभी बताती हूँ। और हमें लेनी थी एक मशीन, और ज़रूरत तो सारी चीज़ों की है। और आप लोग सोचोगे कि ऐसे कैसे एक साथ सारी चीज़ों की, तो जो भी सामान हमारे पास है ना घर का, वो 11-12 साल पुराना है। और यहाँ पर देख रहे हैं हम मशीन, और मेरी मशीन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है और वो ज़्यादा परेशान करने लग गई है अब हमको। तो हमने सोचा कि मशीन देखते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग और LG की मशीनें हैं, और अब ये जो फुली ऑटोमेटिकली है ना, तो वो देख रहे हैं हम लोग। तो कितने की ली है, कैसी ली है, क्या इसके फंक्शन है, आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। कई लोग ये होते हैं ना कि जो बोलते हैं रिव्यू दे दो, प्लीज़ बता दो। तो बिल्कुल मैं सारा बताऊँगी आप लोगों को। और यहाँ पर भैया को समझा रहे हैं, यहाँ पर मैं उसका ना प्राइस बता पाऊंगी ना समझा पाऊंगी, लेकिन बस मैं आप लोगों को ये मॉडल दिखा रही हूँ। और अगले दिन जब दूसरा ब्लॉग में डालूंगी तो प्राइस सहित बताऊंगी। और मशीन की शक्ल तो नहीं दिखा सकती, वो क्यों नहीं दिखा सकती वो मैं रीज़न भी बताऊंगी आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल मैंने मशीन देख ली है और ले भी ली है। तो चलिए अभी यहाँ पर भैया हमें समझा रहे थे। और ऐसे ही एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भी अपलोड की हुई है। तो ये ना हम सैमसंग की मशीन देख रहे हैं और LG की भी देखेंगे, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सी बहुत अच्छी है, कौन सी ट्रेंड पे चल रही है आजकल, कितने की है और क्या क्या फंक्शन है, वो सब मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। जैसे कि भैया बोलते जा रहे थे और मैं रिकॉर्ड करती जा रही थी, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ परसों या कल में अपलोड कर दूंगी, जल्दी ही अपलोड करूंगी। और नहीं तो कई लोगों की शिकायत रहती है ना कि दीदी कुछ भी चीज़ लेते हो और प्राइस नहीं बताते हो, और बताया करो, तो मैं बताऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर हम चूज कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी ही हम धीरे धीरे करके सारा सामान ले रहे हैं, क्योंकि 12 साल पुराना हो गया है सारा सामान, तो लेना बहुत ज़रूरी है। और डैमेज भी होता जा रहा है सब कुछ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और वैसे अगर थोड़ी सी कंपनी की लो, ब्रांड की लो तो चल भी जाती हैं, लेकिन हमारे फ्रिज को भी कम से कम 11 साल पूरे हो चुके हैं, 12वां साल लगा है। तो हमने सोचा कि अब फ्रिज भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो देखे थे हमने यहाँ पर, फ्रिज भी देखा, मशीन भी देखी, और हमारी जैसे TV ख़राब हो चुकी है वो भी देखना है। तो धीरे धीरे करके, एक साथ में नहीं, एक साथ में किसी के बस का नहीं होता है। अच्छा मतलब अगर कोई ढंग का सामान रखना चाहता है तो थोड़ा सा अच्छा ही रख रहे हैं कि ताकि थोड़ा सा टिक भी जाए वो कुछ साल तक। ऐसी चीज़ लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है कि मतलब टिके ही ना चीज़ें और बार बार ख़राब होती रहें। तो अपनी तरफ से तो कोशिश पूरी है कि थोड़ा सा ठीक ठाक देखें। तो यहाँ पर देख रहे हैं वही ध्यानी जी और उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उन भैया के साथ। और इसके बाद ना हम जाएंगे गोदरेज के शोरूम में। आप लोगों को पता होगा गोदरेज का जो शोरूम है वो फर्नीचर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बेड भी देखेंगे हम लोग। तो आगे की वीडियो में मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो देखते रहिए प्लीज़, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये वाली जो मशीनें हैं यहाँ पर, ये 50,000 और 55,000 60,000 तक की है। ये LG का मॉडल है, लेकिन LG से ज़्यादा रिजल्ट जो आ रहा है सैमसंग का आ रहा है। तो ये सैमसंग का वही मॉडल है, 7 kg का। कितना kg है ये? हाँ, 7 kg का है ये। तो ये भी अच्छा है, लेकिन मेरी फैमिली के हिसाब से मेरे लिए ये टॉप वाला मॉडल ही सही रहेगा, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और स्कूल ड्रेस होती है, उनके कपड़े होते हैं बहुत सारे कपड़े। अगर छोटे होते बच्चे तो मैं छोटा वाला लेती, लेकिन मुझे ज़रूरत है इसकी। तो मैं और ध्यानी जी भी ध्यानी जी की आदत है कि वो घर से कुछ बोल के आते हैं और लास्ट में उनको टॉप मॉडल ही दे, वो वाले मॉडल तो वो देख ही नहीं रहे। इधर इधर भी लगे हुए हैं सारे छोटे, और उधर फ्रिज लगी हुई है, तो फ्रिज तो अभी नहीं देखूंगी मैं, लेकिन मशीन की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये रैक वाली है?
ये भी है, एक बार वो आती है तो दूसरी चीज है। अच्छा, वो प्रेस भी हो जाता है उसमें? हाँ, प्रेस हो करके देते। अच्छा, उसमें क्या है, तुम्हारे जो कपड़े गर्म पानी में भी धोने तो गर्म पानी में भी उसके अंदर अपने आप गर्म होगा पानी, जितना कपड़ों को चाहिए वो चाहिए, मतलब कपड़ों की तरह कपड़ों जूसवाने निकलना है जो स्वीटर धोने, हाँ हाँ, जो बुलंद के कपड़े होते हैं, हाँ उसमें नहीं। अच्छा, तो वो चाहिए तुम्हें? अरे ये इसमें मतलब ऐसे होता है कुछ मशीनों के बाहर जो प्रेस भी है ना, प्रेस करने के लिए डालते हैं जिनको, है ये ब्रश का है। तो गाइस ध्यान जी बड़ी खुश हो गए है। तो मशीन तो हमने ले ली है और यहाँ पर हो रहा है बिलिंग। तो बिलिंग पे बहुत ज्यादा टाइम लग गया, कम से कम एक घंटा तो लगा ही होगा। हमने मशीन ले ली है और ध्यानी जी ने मशीन ले ली है, तो दोनों के चेहरे पे बड़ी स्माइल आ रही है। सही बात है, तो चलिए आप चलते हैं घर। और अभी हम आ गए हैं गोदरेज के शोरूम में, तो आप लोगों को भी ले चलते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम बेड, और इनको वैसी जगहों पर ही समझ में आता है, तो गोदरेज के शोरूम में जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं गोदरेज के शोरूम में। उससे क्वालिटी और जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। आप इसी चीज को मान लीजिए कोई हाइड्रोलिक बेड आप दूसरे ब्रांड से लेते हैं, तो उसमें आपको स्टील का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। गोदरेज के बेड में आपको सब में स्टील का स्ट्रक्चर मिलेगा। इन हाउस होता है, इम्पोर्टेड नहीं है, मतलब गोदरेज खुद बनाता है। हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है मुंबई में, वहाँ बनता है। और ये टोटली नॉकडाउन होता है, आते घर आके बनते हैं। किंग साइज, दिस इज किंग साइज, इसको क्वीन भी आता है। और इस ये एक लाख चौदह 1,14,000। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि आप लोगों ने ये नहीं बताया कि गद्दा कितने का है, बेड सही है या नहीं है, तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर कर रही हूँ। भैया खुद बता रहे हैं अपने मुँह से, कोई गद्दा जैसे गद्दा अलग से है, बेड अलग से है। आप लोगों को बेड ही बेड, कोई 1 लाख का है, 1.5 लाख का है, और क्योंकि गोदरेज है ना कंपनी है ये, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। गद्दे का प्राइस किसी का 50,000, कोई 37,000, 40,000, 45,000, मतलब जिस हिसाब से आप लोगों को चाहिए वैसा है। अपना अपना सोच होता है, जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनको वैसी चीज़ चाहिए कि जो कम से कम 10 और 12 साल तक चेंज ही ना करनी पड़े, थोड़ा सा 2-4 रुपए ऊपर हो जाए। तो ये ऐसी चीज़ें देखते हैं, मुझे खुद तक पता नहीं लगता है कि क्या देखने वाले हैं। इसको भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी साइड फोल्ड कर सकते हैं, ये एडवांटेज है। उसमें भी आपको ब्लैक वाला साइड है ना, जैसे और जगह देखा होगा तुमने, होम सेंटर में भी ये नहीं होता है, ये स्टील होम सेंटर लोग, हां होम सेंटर में होता है। और नीचे जो प्लाई है जो लगी है वो भी रिमूव कर सकते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पस, वो ब्रांड से नहीं लगी है, ये लकड़ी भी बढ़िया लगा है, ये गोदरेज की होता है। सर आप उसको पूरा खींच दीजिए, खींच दीजिए। ये सब नॉकडाउन होता है, तो ये सब आपके घर पे आ गया, ये एक मिनट बढ़िया लगा। और भी बेड की प्राइस है यहाँ पर, कोई 37,000, कोई 40,000, तो एक ये भी है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहता कितने का बताया था ये आपको सर? 30 साइज सेवर में ये 40 का होगा ना, 6.5 डिस्प्ले पे जो बेड लगे हैं, सोफा लगे हैं, उस पे ये 46 साल चले, ये 37 समथिंग का है बेड, ही बेड बेड ही बेड, 46 समथिंग का ये बेड। और गद्दा कल का पौने को, ये गद्दा ऊपर जो लगा होगा ले 1 लाख के आसपास है, ये 1 लाख। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब टोटल करने की बारी आती है कि गद्दा और बेड मतलब कितने का है, क्या है। कुछ बेड पर डिस्काउंट था, कुछ पर नहीं था, और
ये कम ही देते हैं, डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो गद्दा भी अच्छा लगा हमें, बेड भी अच्छा लगा, अच्छा लगेगा ही क्योंकि ये ब्रांड है गोदरेज का और गोदरेज की जो लकड़ी होती है वो थोड़ा सा सही होती है। तो लिया तो हमने अभी नहीं, मशीन ले ली है हमने, वो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो उसके बाद मशीन लेने की खुशी के बाद हम आ गए थे यहाँ पर गोलगप्पे खाने के लिए, रास्ते में ये दुकान पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर से और फिर अब घर चलते हैं। ये जगह हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 से 15 मिनट की दूरी पर है और गोलगप्पे बड़े फेमस हैं यहाँ के। तो हम तो आ गए हैं घर और पहुंच गए हैं और मशीन भी अभी पहुंचने वाली है थोड़ी देर में। और ये देखिए दोनों बच्चे घर पे थे तो बाबू ने क्या कर रहा है घर पे रह के, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग भी बहुत ज़्यादा हंसोगे। क्या कर रही है ये दिखाना गाइस, ये देखिए ये हो रहा था घर पे, मैंने तेल लगा के और ऐसे कर दिया। ये कौन सा हेयर स्टाइल हुआ भाई, ये मैंने ऐसे देखा है छी गंदा लग रहा है, सारे बालों को करते ना, सारे बालों को नहीं। तो ध्यानी जी यहाँ पे शादी में जाने के लिए हो गए हैं तैयार, रेडी हीरो हीरो बन गए हैं तो मैं तो नहीं जा रही हूँ शादी में, है पापा हो गए रेडी, पापा जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। जब अपोला गांव की बारात जाती है ना कभी भी कहीं भी तो ये अव्वल दर्जे के ही। हेलो हमें भी नहीं लेके जा रहे हो? नहीं आपको नहीं जा रहा। क्यों सर, आपने क्या करना है? शैलू मान शैलू ना करता, ये निबुगल सकना है कि मियां भी आछो, हां मियां बियाह नहीं मेरा, यार बियाह नहीं मेरा, ये बच्चे चलो। तो ध्यानी जी तो गए बारात में और हम तीनों हैं घर पे और अभी मैं बनाऊंगी खिचड़ी बनाऊंगी मैं, और वैसे भी खाने का इतना मन नहीं कर रहा है। तो बच्चे बोल रहे मम्मी खिचड़ी बना दो बड़ी टेस्टी वाली, हाँ। तो अच्छी भून भान के, हाँ अच्छे से भून के, ओह काना कह रहा है खिचड़ी नहीं, क्योंकि काना को मैंने बारात में नहीं जाने दिया ना, हाँ। तो इसलिए वो पापा के साथ बारात में जाना चाहता था तो मैंने नहीं जाने दिया, मना कर दिया। और पता क्या है, वो अपने दोस्तों के साथ रहेंगे और भीड़ भाड़ है ना, छोटा बच्चा है और काना ऐसा भी है कि काना एकदम से मतलब कोमल जैसा है, एकदम वैसा है, मतलब अपने आप को एकदम चंगा नहीं है कि मतलब संभाल ले, हाँ। तो अगर पापा अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं इंजॉय ना करे तो फिर बच्चों के साथ तो लग जाता है इंसान, तो मैंने इसलिए काना को रोक दिया। तो यहाँ पर 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है और मशीन भी आ गई है हमारी और भैया ले आए हैं, लेकिन आज नहीं लगानी है। और जो पुरानी मशीन है वो थोड़ी थोड़ी ये देखिए दिख रही है मेरी, तो ये भी अभी सही चल रही है। इस मशीन की कंडीशन के बारे में मैं आप लोगों को कल डिटेल से बताऊंगी किसी वीडियो में। और अभी बाहर ही रखवा देती हूँ मैं बालकनी में मशीन को, और कल जो इंजीनियर आएंगे जो फिट करते हैं ना नल पे, ये ऑटोमेटिकली है तो फिट करना पड़ता है ये, तो इसको फिट करने के लिए कल आएंगे, अभी नहीं आए हैं। और वैसे मेरा मन नहीं है अभी इस मशीन को फिट कराने का, वो कैसे ले लिया, क्यों ले लिया और किस कंडीशन में ले लिया है वो मैं आप लोगों को सब बताऊंगी अगले वीडियो में जल्दी ही। और यहाँ पर अब मैं शाइन कर देती हूँ और साथ साथ में मैं वीडियो का भी एंड कर देती हूँ, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ मैं कल आप लोगों को एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।